जिले कुपवाड़ा के डाग बंगले में आज बीजेपी की एक अहम बैठक मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत बीजेपी के जिला प्रभारी मोहम्मद अनवर खान के साथ साथ बीजेपी जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन कर रहे थे। वजह इस मीटिंग का बुनियादी मकसद यूं था कि बीजेपी के बूथ लेवल को मजबूत करना और साथ में आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को हर सतह पर कामयाब बनाना है। इस मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडरान के अलावा बीजेपी के सीनियर वर्करान भी मौजूद थे। एक नजर। जो मीटिंग थी, आपको भी पता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं अभी हमारे हिसाब से, उसी के रिकॉर्डिंग हर दिन हमारी मीटिंग होती है। तो आज जो हमारे यहाँ कुपवाड़ा जिले के जो सीनियर हमारे लीडर साहिबान हैं, उनको आज हमने बुलाया था। आज का मीटिंग जो थी, इसका मकसद ये था कि हमने आज कुछ इलाके बांटे बूथ वाइज। हमने जो, जैसे मैंने भी कुछ बूथ लिए, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने भी कुछ बूथ लिए, जितने भी यहाँ हमारे सीनियर लीडर साहिबान है उन्होंने 10, किसी ने 10, किसी ने 15 बूथ। इंशाल्लाह आने वाले 1 तारीख से हम 15 दिन के लिए निकल रहे हैं पार्टी का काम करने के लिए। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पोलिंग बूथ हैं उन पे जाना, वहाँ पे जो हमारी टीमें बनी हैं उनके साथ बात करना, उनको थोड़ा और जो पार्टी की तरफ से और कुछ जो हमारे प्रोग्राम अभी चल रहे हैं वो बताना। आज इसी रिकॉर्ड हमारी मीटिंग जो की होती है। देखो, बीजेपी अभी हाल ही में यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया था कि बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है, हम जी बहुत यहाँ मजबूत है, सब दावा कर रहे हैं। तो उनको मेरी तरफ से, आपकी वसादत से मैं जवाब भी देना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहिए जब नॉर्थ कश्मीर की रैली थी जिसमें हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे, पूरा डिग्री कॉलेज नॉर्थ कश्मीर में से सबसे बड़ा ग्राउंड जो है वो डिग्री कॉलेज बारामूला का ग्राउंड है, वो बड़ा था और पट्टन तक कहीं चलने का रास्ता नहीं था, इतने लोग बहर थे। वही सबूत है कि बीजेपी के साथ कितने लोग हैं। देखो, हमारी हुकूमत का पहला ही नारा यही है, ये गरीबों की हुकूमत है, ये मजदूर की हुकूमत है, ये किसान की हुकूमत है। ऐसा कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसको जो मोदी जी की स्कीमें चल रही हैं, किसी न किसी स्कीम से ज़रूर हर एक घर को, ये पूरा, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, साथ साथ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, कोई घर ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी स्कीम के ज़रिए फ़ायदा मिला होगा। और तरक्की जो है, तरक्की तो आप खुद ही देख रहे हो आज कितनी तरक्की है। आज आप देखते हो अभी एक नया जो प्रोग्राम चल रहा है, अब हर घर यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो जा रहे हैं, वो स्कीमों के बारे में लोगों को बोलेंगे, पूरा वहाँ वहीं पे उनका मेला लगेगा, वहाँ पे फार्म भरेंगे और वहीं पे उनको जैसे गैस, और आपको पता है गैस का और देने का फैसला किया मोदी जी ने कि कुछ परसेंट थे जिनको नहीं मिला था, और वो ऑन स्पॉट वहीं पे जाके वो भी देंगे। जितनी भी स्कीमें हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो हर घर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, अभी वो चल रहा है। इसका मतलब यही है कि डोर सेटअप पे हर एक गरीब किसान मजदूर के घर पे जाना और उसको किसी न किसी स्कीम से फ़ायदा दिलाना है। देखो, आपको पता है मोदी जी का नारा ही है कि साफ़ सुथरी जो हुकूमत है वो देना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट उनका नारा है। उनका जो भी आप देखते हो करप्शन आज की डेट में, मुझे लगता है कि दूर दूर तक कोई हिम्मत नहीं करता है पैसे लेने की, बाकी चीज़ें करने की। अलबत्त ये 70 सालों की जो बीमारियां हैं, कुछ अफसर लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी रगों के अंदर अभी भी उन जो पुरानी सियासतदान यहाँ थे उनका गंदा खून अभी भी दौड़ रहा है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये भी ठीक होगा। मगर मैं आपको यकीनन कहता हूँ, आज हकदार को हक मिलता है, आज वो गुंडा राज नहीं चलता है। कुपवाड़ा की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे गुंडा राज है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आज हर घर की जो दास्तान है वो अपने दिल्ली तक पहुंचती है, मोदी जी तक पहुंचती है, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता है, वो उस इलाके की बात, उस गाँव की बात, उस तहसील की बात ज़रूर दिल्ली तक पहुँचाता है, और उसको दूसरे दिन उसका हल भी आ जाता है इंशाल्लाह। देखो, उनको तो पहले देखो ना, वो कहाँ पे खड़े हैं। आज कश्मीरी समझता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ खून की नदियाँ बहाई, उसके सिवा उन्होंने क्या किया। उनके टाइम में गली से निकलते थे वहाँ हमारे नौजवान का खून रहता था, वो किसी बाईपास पे चलो तो नौजवानों की लाशें वहाँ पे थी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, वो खून बहाते थे, हमने वहाँ पे वो टैल लगा दिए,
जहाँ से वो हमारे नौजवान की लाशें गिराती थी, हमने वहाँ पे मैगनम डाला है। ये उनकी बौखलाहट है, उनके साथ कोई नहीं है आज की डेट में। मैंने आपको फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर की मैं बात करूँगा, उनके लिए बहुत बड़े जवाब है जो हमारे अमित शाह जी यहाँ आए थे। इतने कहीं पे, मतलब मैं बोलता हूँ कि पटन तक रोड पे भी चलने की जगह नहीं थी। इलेक्शन जब इलेक्शन कमीशन बोलेगा तब इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम तो उसके लिए तैयार हैं।